गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा 9 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम। आज हम चैप्टर देखेंगे 19, जिसका नाम है महाकवि कालिदास और साहित्य का प्रकार है जीवनी और इसके राइटर है नरपत बारहर हड़वेजा। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि महाकवि कालिदास कौन थे। तो महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में आदि कवि माने जाते हैं, जैसे गुजराती साहित्य में नरसिंह मेहता है और हिंदी साहित्य में प्रेमचंद है, मैथिली शरणगुप्त है। ऐसे अग्रणी कवियों में जिसका नाम संस्कृत साहित्य में प्रथम लिया जा सकता है वो है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास ने की रचनाओं द्वारा इतनी उत्कृष्ट है कि उनके जीवन समय के बारे में हमें पता चलता है, लेकिन उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था इसके बारे में कोई प्रमाणभूत माहिती हमको प्राप्त नहीं होती। लेकिन कवि बाण हो गए, उन्होंने अपने हर्षचरित में कालिदास का उल्लेख किया है। उनके आधार पर अनुमान लगाया गया है कि वो बाण से पहले हुए होंगे। कितनी ही कथाओं में विक्रम राजा को उन्होंने अपने नायक बनाया है। ये कौन सा विक्रम? तो उस समय राजा विक्रमादित्य, जिनके नाम पर विक्रम संवत चलवाया गया था और उन्होंने अपने शासनकाल के समय में सोने के सिक्के भी चलवाए थे। इसके द्वारा पता चलता है कि वो समृद्ध जो विक्रमादित्य थे उनके दरबार में अन्य 9 कवि और भी थे, उनमें से एक ये थे महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास युवावस्था तक निरक्षर थे, अनपढ़ थे, फिर भी वो इतने महान विक्रमादित्य के दरबार में के कवियों में 9 रत्नों में कैसे स्थान प्राप्त किया इसके पीछे की एक रोचक और दिलचस्प कहानी है। यहाँ तक हमने देखा था। उस समय हमने देखा था कि शारदानंद नाम के राजा थे, उनकी एक गुणवती और रूपवती कन्या थी जिनका नाम था विद्योत्तमा। रूप गुण और ज्ञान के कारण उसको बहुत घमंड था और उसने अपने विवाह के संबंध में एक घोषणा की रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हराएगा, शास्त्रार्थ यानी शास्त्र संबंधी चर्चा, जो उसे शास्त्रार्थ में हरा गया वो उसके साथ अपना विवाह करेगी। और जैसे जैसे इस घोषणा की जानकारी पास पड़ोस के देशों में फैलने लगी, वहाँ वहाँ के राजकुमार विद्वान पंडित इस राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए आने लगे। लेकिन उन सभी को शास्त्रार्थ करने आते थे और शास्त्रार्थ में वो सभी को पराजित कर दी थी और पंडितों को बड़ी ग्लानी यानी दुख का अनुभव होता रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। वो घमंडी भी थी, रूपवती थी, ज्ञानी भी थी, लेकिन जैसे ही ये जो विद्वान लोग थे वो पराजित हो गए तो उन्होंने अपने मन में ठान ली कि इसके साथ बदला लिया जा सके। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी ऐसे मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। आप लोगों को होगा कि यहाँ से कैसे होगा, तो पहले व्हीकल की वाहन व्यवहार की ऐसी कोई सुविधा न थी। जिसे भी एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था वो पैदल चलकर, कोई धन संपन्न हो तो रथ पर जाते थे। ये पंडित और विद्वान जो विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे वो लोग पैदल ही, और रास्ता तो जंगलों से भी गुजरता था। यहाँ इस तरफ कालिदास जो थे वो उनके माँ बाप बचपन में ही गुजर जाने के कारण उनके चाचा लोगों ने उनके यहाँ वो रहने लगे। तो चाचा की जो बकरियाँ थी वो चराने के लिए वो जंगल में जाते थे। वो इतने मूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे और वहीं से ये पंडित लोग गुजर रहे थे। पंडितों ने
को तो ऐसे एक मूर्ख की तलाश ही थी। संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा मूर्ख भी युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा, समझा बुझा कर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करने की बात कहकर और लालच देकर अपने साथ चलने के लिए राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वहाँ कुछ नहीं बोलना है और गूंगा बना रहना, गूंगा यानी मौन, कुछ बोलना वहाँ पर नहीं है। पंडितों ने समझा दिया था और वह वहाँ पर मूंगा ही रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ, उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उस विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए नहीं गए। जो मूर्ख था वो कालिदासी थे, युवावस्था तक निरक्षर थे, निरक्षर यानी अनपढ़, एक अक्षर का भी उन्हें ज्ञान नहीं था। तो ऐसे निरक्षर होने के कारण और वो मूर्ख भी थे, तो पंडितों को उसे नहला धुलाया, अच्छे से कपड़े पहनाए और उनको विद्योत्तमा के पास ले गए और उसे अच्छी तरह समझा दिया कि वहाँ पर तुझे कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ गूंगा बना रहना है, मौन रहना है। अगर तू वहाँ पे कुछ भी बोलेगा तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार है, आपके पास शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, लेकिन इन दिनों इनका मौन व्रत होने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे, संकेत यानी इशारा। युवक का परिचय देते हुए विद्योत्तमा को यह कहा गया कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं और ये आपके साथ शास्त्रों के बड़े जानकार हैं और आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन इन दिनों इनका मौन व्रत चल रहा है, मौन यानी कुछ न बोलना, जिनके कारण ये संकेत यानी इशारे से ही आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे, शास्त्र यानी शास्त्र संबंधी चर्चा। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बातें नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका अर्थ था कि ईश्वर, एक उंगली का अर्थ भाव यह था ईश्वर एक है। उस मूर्ख ने यह समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है, उसने दो उंगलियां दिखाती है, उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। देखो यहाँ पे पहले क्या हुआ, एक उंगली दिखाई विद्योत्तमा ने, तो मूर्ख था, पैसे थी वो शास्त्र संबंधी कोई बातें समझ नहीं सकता था, जिसके इशारे में उसने यह समझा कि यह मेरी एक आँख फोड़ डालना चाहती है। तो मूर्ख युवक ने दो उंगलियाँ बताकर कहा कि तू मेरी एक आँख फोड़ेगी तो मैं तुम्हारी दोनों आँखें फोड़ दूँगा। और इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। दो आंखें फोड़ डालने का कहा था ना, तो कहा ईश्वर और जीव ये दो है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने पांच उंगलियां दिखाकर पांच तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि यह मेरे मुँह पर तमाचा मारना चाहती है, जिनके कारण उसने मुट्ठी बंद कर पांच उंगलियां यानी तमाचा मारने का निर्देश दिया। तो इसके उत्तर में मूर्ख ने पांच मुट्ठी मिलाकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते होगा, आपने पांच उंगलियों से पांच तत्वों का संकेत किया है, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि पांचों तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं। पांच तत्व कौन से हैं? अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और सूर्य। ये जो पांच तत्व है, अग्नि, आकाश, धरती, वायु और जल, इन पांचों तत्वों के मेल से ही ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, अलग अलग रहने से नहीं। इस तरह
उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। अंत में विद्योत्तमा ने हार मान ली और पंडितों ने उनका विवाह इस मूर्ख के साथ करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, उट्र उट्र। यकायक यानी अचानक। वो मूर्ख था, उसे मौन रहना था, लेकिन बहुत दिनों मौन रहे तो जिनके कारण वो बहुत बोला नहीं था और अचानक ही उसने ऊँट की आवाज़ सुनी और उट्र उट्र बोल उठा। इससे पता उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम धारण उन्होंने प्राप्त किया और शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर वे विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वारम, अनावृत यानी बंद कपाट है, बंद द्वार है वह खोलो। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, आप में ऐसी वाणी में कुछ विशेषता है? क्योंकि उनको तो बोलना भी अच्छी तरह नहीं आता था, तो अंदर से आवाज़ आई कि अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात हैं, उनकी कोई तुलना नहीं, उनका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उनके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहता है कि वह प्रजा का शासक नहीं, उनका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत तथा चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। कालिदास, महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है। पहला है ऋतु संहार, जो एक खंड काव्य है। जिसमें 3 ऋतुओं का बहुत ही वर्णन किया हुआ है। ये एक उत्तम खंड काव्य है। बाद में है ऋतु संहार में कवि कालिदास ने अपने सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है और इसमें ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण इस काव्य में है उतना कालिदास के अन्य काव्यों में नहीं है। प्रकृति का और 3 जो ऋतु है उनका बहुत ही सुंदर वर्णन इस काव्य में मिलता है। महाकवि कालिदास का दूसरा ग्रंथ है मालविका अग्निमित्र। उसमें 5 अंक हैं। विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। 3रा ग्रंथ है विक्रमवर्षियम। ये कालिदास का दूसरा नाटक है जिसमें 5 अंक हैं। इसमें राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चरित्र चित्रण किया गया है। बाद में
जो पांच महाकाव्य पंच महाकाव्य संस्कृत साहित्य में है उनमें से पहला है कुमार संभवम, जिसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। बाद में उनका पांचवा ग्रंथ है मेघदूत। इस मेघदूत में एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल को भी इस काव्य में भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। बाद में जो दूसरा महाकाव्य है वो है रघुवंश। ये रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघु की कथा कहने से पहले यह कह दिया है कि कहाँ से तो सूर्यस्त से उत्पन्न हुआ यह वंश और कहाँ मैं मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्री को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश से दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। दिलीप का पुत्र रघु और सॉरी रघु का पुत्र दिलीप, दिलीप का दशरथ, दशरथ के राम, राम के बाद लव कुश और कुश के अंतिम जो राजा थे अग्निवर्ण, वहाँ तक की कथा इस काव्य में है। रघु राजा को कोई संतान न थी, जिनके कारण उनको देव की गाय कामधेनु की उपासना की कामधेनु ने प्रसन्न होकर उनके यहाँ रघु के रूप में दिलीप राजा को संतान न होने के रघु राजा का जन्म हुआ और वहीं से रघुकुल जाना गया। दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारों का वर्णन यहाँ पे है। दशरथ राजा के यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म, उनके बाद उनकी शिक्षा, उनका विवाह, फिर अनेक राक्षसों का वध, सीता स्वयंवर, उसके बाद रावण द्वारा सीता का हरण, राम और रावण का युद्ध और यहाँ से लेकर लव कुश का बाद में पुनरागमन, राम का अयोध्या में पुनरागमन, उसके बाद सीता लव कुश का जन्म, सीता का फिर से वनवास जाना और अंत में लव कुश का जन्म और कुश के बाद के भी राजाओं और लास्ट में अग्निवर्ण जैसे बहुत से ऐसे पूरे रघुवंश का वर्णन उनके इस रघुवंश में मिलता है। ये उनका एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। बाद में है महाकवि कालिदास का सातवा और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की प्रणय कथा इसमें वर्णित है। विश्वामित्र ऋषि और मेनका की पुत्री शकुंतला और दुष्यंत राजा की यहाँ पे राजा दुष्यंत और शकुंतला की यह प्रेम कथा है। विश्वामित्र और मेनका से उत्पन्न हुई ये जन्मी शकुंतला और शकुंतला को जब कण्व ऋषि के आश्रम के बाहर ये अप्सरा छोड़ जाती है तो उनका पालन पोषण उसी ऋषि के आश्रम में होता है और वहीं पे वो बड़ी होती है। एक दिन कण्व ऋषि जो है वो कण्व ऋषि आश्रम से बाहर तीर्थ स्थान में जाते हैं और उसी समय राजा दुष्यंत तपोवन में आते हैं और वहाँ आकर आतिथ्य सत्कार उनका किया जाता है और वो शकुंतला को देखकर उस पर आकर्षित होते हैं। दोनों गंधर्व विवाह करते हैं और वापस वो अपने राज्य में जाते हैं। उस समय बाद में कहते हैं कि शकुंतला मैं तुम्हें वहाँ जाकर बुला लेंगा। यहाँ पर शकुंतला वो दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती है। उसी समय
दुर्वासा ऋषि वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। दुर्वासा ऋषि का कहना न सुनकर वो वैसे ही विचारों में खोई रहती है, जिनके कारण ख्यालों में खोई होने के कारण दुर्वासा ऋषि उन्हें श्राप देते हैं कि जो तू जिसे याद करती है वो तुम्हें भूल जाएगा। जैसे उनको श्राप की पता चलता है वो बहुत ही विनती करती है, तो उस समय दुर्वासा ऋषि उन्हें कहते अगर तुम्हें उन्होंने कोई चीज़ दी है जो तुम उसे दिखाओगे तो वो तुम्हें याद कर लेगा। लेकिन बाद में कण्व ऋषि आने के बाद शकुंतला की विदाई होती है। शकुंतला राजा के द्वारा दुष्यंत के द्वारा एक अंगूठी दी गई होती है। कण्व ऋषि उसे विदाई देते हैं। उस समय का जो चतुर्थ अंक है, चौथा अंक है, और उसमें जो चौथा श्लोक है वो बहुत ही सर्वोत्कृष्ट है। कण्व ऋषि कहते हैं कि मैं एक तपस्वी होने के बावजूद जो पुत्री की विदाई के वक्त मुझे ऐसी वेदना होती होगी तो जो संसारिक पिता है उसकी मनोव्यथा क्या होगी। इसका वर्णन बहुत ही सुंदर है। बाद में शकुंतला एक नदी के किनारे स्नान करने के लिए जाती है तो वो अपने गहने वहाँ पर ही छोड़ देने के कारण एक मछली उस अंगूठी को निगल जाती है। राजा के दरबार में पहुँचने के बाद जो शकुंतला है वो उसे अपना परिचय देती है, लेकिन श्रापवश वो उन्हें भूल जाता है और याद नहीं रहती, और शकुंतला को तिरस्कार करता है। जैसे ही शकुंतला महल के बाहर आकर कहती है कि मैं अपने आप रह लूँगी, और सभी जो उनके साथ विदाई देने के लिए जो तपस्वी उनके साथ जो गुरु भाई सब आए हुए थे उनको वो वापस अपनी सखियों और गुरु भाई को वापस भेज देती है। इस तरफ एक मछुआरे के पास एक मछली मिलती है और उनमें से राजमुद्रा वाली ये अंगूठी पाकर राजा को देने के लिए आते हैं। जैसे ही राजा अंगूठी देखते हैं तो उनको शकुंतला का स्मरण होता है। वे उससे बहुत खुश थे लेकिन वो नहीं मिलती। गंधमादन पर्वत पर एक बार इंद्र से सहायता करने के लिए वो स्वर्ग में जाते हैं, और उस समय वापस ये गंधमादन पर्वत पर लौटते समय वहाँ पर इनके पुत्र जो होता है भरत को खेलते हुए अनायास ही उन्हें स्मरण होता है कि उसके भरत पर आकर्षित होने के कारण वो समझते हैं ये निसंदेह ही कोई साहसी वीर प्रतापी राजा का पुत्र होगा। वो अनायासी उस पर आसक्त होते हैं। जब अन्य दो तपस्विनियों से द्वारा पता चलता है कि उसके पिता द्वारा छोड़ी हुई है तो उसको देखकर उन्हें पता चलता है निसंदेह ही मेरा यहाँ पे वहाँ पर शकुंतला भी आती है। शकुंतला दुष्यंत और भरत का मिलाप होता है और ये नाटक का अंत होता है। तो इस तरह संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास की ये सातें सात कृतियाँ जो है वो अमर है। इनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य समाज और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। तो आप अच्छे से ये चैप्टर पढ़ना, एक्सरसाइज लिखना और आगे की पढ़ाई हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर यहाँ पे पूर्ण होता है। इनकी सात कृतियाँ ऋतु संहार, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोवर्षीयम, कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतल। तीन नाटक है, दो महाकाव्य है और दो खंडकाव्य है। थैंक यू।